हेलो फ्रेंड्स, आईटी कंप्यूटर गुरुजी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम कंप्यूटर फंडामेंटल का वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कंप्यूटर के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इसमें आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है या कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो यूजर से इनपुट के रूप में डेटा लेता है और निर्देशों के सेट, जिसे प्रोग्राम कहा जाता है, के नियंत्रण में प्रोसेस करके परिणाम आउटपुट देता है और इस आउटपुट को हम फ्यूचर यूज के लिए कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है गणना करना। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है, जो इसके अर्थ को और अधिक व्यापक बना देते हैं, जहां पर कंप्यूटर के फुल फॉर्म के रूप में हम देख सकते हैं कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। ये स्क्रीन पे एक पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर का एक इमेज दिया गया है। नेक्स्ट है फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इनपुट के रूप में डेटा लेता है, डेटा निर्देशों को उसकी मेमोरी में स्टोर करता है और आवश्यकता होने पर उनका उपयोग करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और इसे उपयोगी जानकारी में परिवर्तित करता है और फाइनली हमें आउटपुट या रिजल्ट देता है। कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को हम IPO इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल के माध्यम से इजीली समझ सकते हैं, जहां पर इनपुट डिवाइस के माध्यम से यूजर द्वारा जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर की मेमोरी में भेजा जाता है वह CPU में प्रोसेस के लिए जाता है और प्रोसेस होने के बाद फाइनली हमको वो आउटपुट या रिजल्ट के रूप में मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रोग्रामेबल। अक्सर ये क्वेश्चन किया जाता है कि कंप्यूटर को प्रोग्रामेबल डिवाइस क्यों कहा जाता है। तो प्रोग्रामेबल का मतलब होता है प्रोग्रामों के आधार पर काम करना। जो डिवाइस या मशीन प्रोग्राम के आधार पर काम करता है उसे प्रोग्रामेबल डिवाइस कहते हैं, जैसे कैलकुलेटर, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, रोबोट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक। कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी के DC मोड पर कार्य करते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर में पावर की जो सप्लाई होती है वो SMPS के द्वारा होती है और SMPS करंट के AC मोड को DC मोड में कन्वर्ट करके कंप्यूटर सिस्टम को सप्लाई करता है, तो इसीलिए कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट है डेटा। कंप्यूटर को दिए गए कच्चे तथ्य, रॉ फैक्ट और आंकड़े, फिगर्स को डेटा के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर में किसी भी इनपुट डिवाइस की मदद से जो भी आप टेक्स्ट, न्यूमेरिक वैल्यू आदि इंसर्ट करते हैं उसको डेटा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्ट्रक्शन। यह यूजर द्वारा कंप्यूटर भाषा में एक कंप्यूटर सिस्टम को दिया जाने वाला आदेश या कमांड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्राम। यह कुछ कार्य करने के लिए कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक समूह, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। जब किसी दिए गए संदर्भ में डेटा को संसाधित, व्यवस्थित, संरचित या प्रस्तुत किया जाता है ताकि वह उपयोगी हो, तो इसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज। डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से सहेजने की प्रक्रिया को स्टोरेज, भंडारण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है इनपुट। यह कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और प्रोग्राम दर्ज करने की एक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है प्रोसेस। यह सूचना में परिवर्तित करने के लिए डेटा पर किए गए कार्यों का अनुक्रम, सीक्वेंस ऑफ एक्शन होता है। नेक्स्ट है आउटपुट। यह डेटा या इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देशों से परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया है। आउटपुट दो प्रकार की होती है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी वह आउटपुट है जो स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं या प्रदर्शित किए जा रहे हैं मॉनिटर या प्रोजेक्टर की हेल्प से, और हार्ड कॉपी वह आउटपुट है जो प्रिंटर या प्लॉटर या स्पीकर के माध्यम से आउटपुट के रूप में प्रदान किए जाते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो IT कंप्यूटर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।